हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप? मुझे आशा है आप बहुत ही अच्छे होंगे। अगर आपने इस वीडियो को क्लिक कर दिया है तो मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ। उस सवाल का जो है जवाब कमेंट बॉक्स में जो है देकर ही जाना। अगर उस सवाल का जवाब अगर आप चाहते हो तो रुके रहना, मैं बताऊंगा इसी में और आपको आ जाएगा, ठीक है? तो मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर कोई सॉइल फुल्ली सैचुरेटेड है तो वाटर कंटेंट क्या होगा, ठीक है ना? तो आप इस सवाल का जवाब जो है कमेंट बॉक्स में दे सकते हो। अगर नहीं पता है तो आप रुके रहना, मैं आपको जो है इसी में बताऊंगा। तो इस वीडियो में हम लोग जो है पढ़ रहे थे सॉइल के रिलेशनशिप के बारे में, और हमने सॉइल के जो आयतन आयतन में रिलेशनशिप होता है, ठीक है, वो हमने खत्म कर दिया था। इस वीडियो में वेट वेट में जो रिलेशनशिप होता है उसको हम पढ़ लेंगे, ठीक। तो इसमें हम वाटर कंटेंट को पढ़ेंगे, ठीक है ना? वेट वेट में रिलेशनशिप एक ही होता है, वाटर कंटेंट होता है, ठीक है। ये सॉइल सॉलिड के तुलना में होता है और टोटल आयतन के रिस्पेक्ट में जो है वाटर कंटेंट जो है निकाला जाता है। तो पहले हम लोग सॉइल सॉलिड की तुलना में देखते हैं सॉइल सॉलिड के रिस्पेक्ट में जो है वाटर कंटेंट क्या होता है, कैसे निकाला जाता है, ठीक। निकालने की जो प्रोसेस है वो हम लोग आगे पढ़ेंगे, रिलेशन क्या है ये देखते हैं कैसे उसका बनता है। तो जो वाटर होता है, तो सॉइल इसका परिभाषा ऐसे दिया जाता है कि सॉइल सॉलिड के वेट के रिस्पेक्ट में वाटर का वेट जो होता है उसी को हम लोग वाटर कंटेंट कहते हैं, ठीक है ना? तो सॉइल सॉलिड का, या ऐसे भी हम कह सकते हैं कि वेट ऑफ वाटर अपान वेट ऑफ सॉइल जो होता है वही क्या है, वाटर कंटेंट है, ठीक। तो देखो इसको लिखने के लिए ऐसे लिखते हैं, देखो इसका जो लिखते हैं हम लोग वो स्मॉल डब्ल्यू से लिखते हैं, ठीक है। स्मॉल डब्ल्यू वाटर कंटेंट है इसका सिंबल। सॉइल के कणों के रिस्पेक्ट में वाटर के वेट के प्रतिशत मान को ही वाटर कंटेंट कहते हैं, ठीक है। प्रतिशत मान कहें या जो भी कहें, तो इसको मैथमेटिकली रूप से ऐसे लिखते हैं, वाटर कंटेंट इज इक्वल टू वेट ऑफ वाटर अपॉन वेट ऑफ सॉइल सॉलिड, ठीक है, इनटू 100। ये 100 लिख देने से ये प्रतिशत में चेंज हो गया है, ठीक है ना? तो ये रहा वाटर कंटेंट। अब हम अलग अलग कंडीशन के आधार पर देखते हैं कि जो है सॉइल किस कंडीशन में रहेगी तो वाटर कंटेंट जो है क्या होगा, ठीक। मैं यहाँ पर फेज डायग्राम बनाता हूँ समझने के लिए, आपको दिखेगा फेज डायग्राम तो जो है आसानी रहेगी। ये जो है सॉइल सॉलिड है, ये जो है वाटर है, और यहाँ जो है एयर है ना? ये हो गया एयर, और ये हो गया वाटर, और ये हो गया सॉइल सॉलिड, ठीक। जो मृदा के कण होते हैं, सॉइल के कण होते हैं, उनको हम लोग इंग्लिश में जो है सॉइल सॉलिड बोलते हैं, ठीक है। आप लोग एग्जाम में देखोगे तो क्वेश्चन में सॉइल सॉलिड ही लिखा रहेगा और हिंदी में मृदा के कण लिखा रहेगा, तो इसीलिए मैं सॉइल सॉलिड लिखता हूँ क्योंकि ये आपको जो है फेमिलियर लगे और पहचान में आ जाए, ज्यादा अजीब ना लगे, ठीक है। तो अब बताओ कि वाटर कंटेंट, ठीक है, अगर सॉइल हमें नेचुरल कंडीशन में कोई ऐसे सॉइल मिलती है कि जो पूरा क्या है ड्राई अवस्था में है, सूखी अवस्था में, उस टाइम जो है वाटर कंटेंट क्या होगा? तो जाहिर सी बात है, अगर कोई सॉइल पूरी तरीके से सूखी अवस्था में रहेगी, ड्राई कंडीशन में रहेगी, तो ये जो वाटर होगा ये बिल्कुल भी नहीं होगा, ठीक है ना? तो ड्राई कंडीशन में जो है वेट ऑफ जो वाटर होगा वो क्या होगा, जीरो होगा, है ना? तो जब ये जीरो हो गया तो यहां पे रखोगे तो वाटर कंटेंट क्या आएगा, जीरो, ठीक। देखो ये कैपिटल डब्ल्यू है और ये नीचे वाला डब्ल्यू है, ठीक है, और ये जो है स्मॉल डब्ल्यू है, ये वाटर कंटेंट वाला, तो ये क्या होगा, जीरो, ठीक। अब ऐसा भी हो सकता है कि जो सॉइल है हमने उसका जो सैंपल लिया है, ऐसा भी हो सकता है कि जो वेट ऑफ वाटर है, जो सॉइल के रंध्रों में जो वाटर भरा है, वो मृदा के जो कण है उनसे हल्का भी हो सकता है, उनसे भारी भी हो सकता है, और उनके बराबर भी हो सकता है। तीन कंडीशन बन सकते हैं कि नहीं, जैसे ये हमने सॉइल ले लिया है, ये सैंपल है, तो ऐसा भी हो सकता है कि ये जो वाटर का वेट है, देखो यहाँ पे एक फेज डायग्राम है, थ्री फेज डायग्राम है, ठीक है, और नेचुरल कंडीशन में ये कुछ भी हो सकता है,
सॉइल सूखी भी हो सकती है, सैचुरेट भी हो सकती है, इसमें थोड़ा सा वाटर भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है ना। तो आप लोग नेचुरल कंडीशन को ध्यान में रखना। तो ऐसा भी हो सकता है कि जो वेट ऑफ वाटर है वो वेट ऑफ सॉइल, यानी कि मृदा के कणों से जो है वाटर का भार जो है कम होगा। तो उस टाइम क्या होगा, अब देखो ये वेट ऑफ सॉइल सॉलिड से ये कम है तो यहाँ पे रखोगे तो ये क्या आएगा, कम आएगा, है ना। तो उस टाइम में ये जो है जीरो से ज्यादा रहेगा लेकिन एक से कम ही रहेगा, ठीक है। तो ये जीरो से ज्यादा हो गया वाटर कंटेंट और एक से कम हो गया, ठीक। अब ऐसा भी हो सकता है कि जो वाटर कंटेंट है ये वेट ऑफ सॉइल सॉलिड के बराबर हो सकता है। तो अब इस ये दोनों बराबर हो गए तो यहाँ पे रखोगे तो ये क्या आएगा, वाटर कंटेंट जो है वन हो जाएगा, ठीक। अब ऐसा भी हो सकता है कि जो वाटर है सॉइल के रंध्रों में जो वाटर है वो मृदा के कणों के जो भार से क्या है, ज्यादा हो सकती है। तो उस टाइम अब वेट ऑफ वाटर को यहाँ पे रखोगे तो ये क्या हो जाएगा, एक से ज्यादा हो जाएगा, है ना। ये जो है चार कंडीशन जो है बन सकते हैं कि जो वाटर का वेट है एक बार मृदा के कणों के वेट से कम होगा, एक बार जो है कभी ऐसी भी कंडीशन होगी कि मृदा के कणों के भार के बराबर ही हो जाएगा वाटर का वेट, और कभी ऐसी भी कंडीशन हो सकती है कि मृदा के कणों का जो भार है उससे जो है वाटर का वेट जो है ज्यादा हो सकता है, ठीक है। और ये वाटर वही है जो जैसे हम सॉइल का एक ढेला लेते हैं, ठीक है ना, ढेला क्या बोलते हैं, लंप, ठीक है। तो जो ढेला होता है उसमें जो वाटर है उसका वेट है ना। तो अब जो सॉइल के कण रहेंगे और उनके बीच में जो रंध्र है उन रंध्रों में जो वाटर भरा है उसका वेट की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो जो है ये चार कंडीशन जो है बन सकते हैं नेचुरल कंडीशन में, ठीक। अगर हम इसको एक ही बार में सम्मिलित करके चारों को एक ही बार में कहें तो ऐसे कह सकते हैं हम लोग कि जो वाटर कंटेंट है, दिख रहा होगा आपको, ये जो वाटर कंटेंट है ये जीरो भी हो सकता है और जीरो से ज्यादा हो सकता है ना। देखो क्योंकि एक है, अब इसमें जीरो और जीरो से ज्यादा कह दिए तो जीरो से जितनी भी सारी संख्याएं हैं ये सारे सम्मिलित हो जाएंगे। तो इन चारों को जो है मिला करके एक बारी में हम ऐसे कह सकते हैं, ठीक है। तो ये जो वाटर कंटेंट हमने अभी ज्ञात किया था यहाँ पे ये सॉइल सॉलिड के रिस्पेक्ट में निकाला गया है। इसमें ऐसे हमें इससे हमें ये पता चलता है कि अगर कोई सॉइल है, हमने उसका कोई सैंपल लिया है या नेचुरल कंडीशन में कोई सॉइल है और वो ड्राई अवस्था में हो या पार्शियली सैचुरेटेड अवस्था में हो या फुली सैचुरेटेड अवस्था में हो, तो उस टाइम जो है उस सॉइल के जो कणों का भार है उसके रिस्पेक्ट में उसमें जो उपस्थित वाटर है उसका वेट कितना है, ठीक है। तो इससे हमें ये पता चलता है। अब इसके अलावा हम कभी कभी सॉइल के टोटल वेट के रिस्पेक्ट में जो है वाटर ज्ञात करते हैं, ठीक है। जैसे कि हमने एक ऐसे देखो, हमने एक सॉइल का ऐसे ढेला दिया और ये सॉइल का टोटल वेट है तो इसके रिस्पेक्ट में इनके रंध्रों में इस सॉइल के कणों के बीच में जो वॉइड्स है उसमें उपस्थित जो वाटर है उसका वेट कितना है, ठीक है ना। तो उसे हम टोटल वेट के रिस्पेक्ट में वाटर कंटेंट कहते हैं, ठीक है। तो इस टोटल वेट की तुलना में हम लोग वाटर कंटेंट ज्ञात करते हैं। तो जब सॉइल के टोटल वेट के रिस्पेक्ट में हम लोग वाटर कंटेंट ज्ञात करते हैं तो उसे हम लोग डब्ल्यू डैश से लिखते हैं, ठीक है ना। ये स्मॉल ही डब्ल्यू है, यही वाला W है। अब बस यहाँ पे टोटल वेट के रिस्पेक्ट में निकाल रहे हैं तो यहाँ पे W डैश हम इसको लिख रहे हैं, है ना। तो वेट ऑफ वाटर अपान में टोटल वेट इनटू 100, तो ये कंडीशन जो है हो गई, ठीक है। इसको ऐसे लिखते हैं टोटल वेट के रिस्पेक्ट में। तो अगर हम इसमें भी देखें तो इसमें भी क्या कंडीशन बनेगी, अगर सॉइल जो है ड्राई रहेगी, ड्राई सॉइल रहेगी तो वेट ऑफ वाटर उसमें वाटर बिल्कुल होगा ही नहीं तो जीरो हो जाएगा। तो उस टाइम जो है टोटल वाटर कंटेंट जो होगा, टोटल वेट के रिस्पेक्ट में वाटर कंटेंट वो जीरो होगा, ठीक है। अब ऐसा भी होगा कि जो वेट ऑफ वाटर है वो टोटल वेट से कम होगा, ठीक है ना। तो जब ये टोटल वेट से कम होगा तो यहां पर रखोगे तो ये क्या आएगा, जीरो से कम ही आएगा, है कि नहीं,
ये जो है वाटर कंटेंट जीरो से ज्यादा होगा और एक से, देखो यहाँ पे मैंने बोला अभी जीरो से कम होगा, ठीक है ना, सॉरी उसके लिए। ये अगर टोटल वेट से कम है वाटर, तो इसको जब यहाँ पे रखोगे तो ये जीरो से ज्यादा और एक के बीच में ही रहेगा, ठीक है। देखो यहाँ पे वन जो है फ्रैक्शन में हमने लिखा है, ठीक है ना। आप इसको 100% अगर परसेंटेज में लिखना चाहोगे तो इसको 100% कर देना और यहाँ पे भी 100% कर देना, ठीक है, आपकी जो मर्जी वो कर देना, ठीक। तो ये परसेंटेज के रूप में आ गया, तो जीरो से ज्यादा और इतना हो गया, ठीक है। तो इसको परसेंटेज में भी लिख के समझ लेना आप लोग, मैंने बता दिया, ठीक। तो जीरो और एक के बीच में ही रहेगा, ठीक है ना। और क्या कंडीशन हो सकती है, अब देखो हमने यहाँ पे जो है चार कंडीशन अप्लाई किया था ये इसके तुलना में, तो अब बताओ कि क्या ऐसी कंडीशन हो सकती है कि जो वेट ऑफ वाटर है ये टोटल वेट के बराबर हो जाए, ऐसी कंडीशन हो सकती है। देखो तो मेरे हिसाब से जो है ऐसी कंडीशन नहीं होगी, क्योंकि अगर ये जो देखो ये पार्शियली सैचुरेटेड कोई सॉइल है, अगर ये टोटल वाटर को जो है इसके सारे रंध्रों में भर दिया जाए पूरी तरीके से, तो अगर पूरा ये वाटर से भर गया है ना, इस एयर को भूल जाओ, तो अब इन रंध्रों में जो वाटर है उसका वेट और अपान में टोटल वेट, इस वाटर का वेट और प्लस सॉलिड का भी वेट, तो ये जो है टोटल वेट के बराबर जो है कभी हो नहीं सकता, ठीक है ना, कभी होगा ही नहीं, क्योंकि सॉइल सॉलिड है, अगर थोड़ा भी रहेगा, अगर मैं कहूँ कि इतना ही रहेगा, ठीक है, थोड़ा भी रहेगा, मान लीजिए कि इतना भी रहेगा, तो भी तो उसमें सॉइल का वेट है कुछ ना कुछ, तो ये हमेशा जो है क्या होगा, हमेशा कम ही होगा, ठीक है ना। और क्या कंडीशन हो सकती है, एक तो ड्राई अवस्था हो गया और एक तो टोटल वेट से कम हो गया और एक इसके बराबर तो होगा ही नहीं, ठीक है। तो जो है यही कंडीशन बनेंगी, ठीक है, ये डब्लू डब्लू जो है कभी भी डब्लू के बराबर होगा नहीं, ठीक है ना। तो अगर हम इसको एक ही बार में सम्मिलित करके लिखें दोनों को, तो जो टोटल वाटर कंटेंट है टोटल वेट के रिस्पेक्ट में, ये जो है जीरो भी हो सकता है ना, और एक से कम हो सकता है, तो ये जो है एक से कम रहेगा और जीरो या जीरो के बराबर रहेगा, ठीक है। इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, देखो क्योंकि ड्राई कंडीशन में ये जीरो है और जो है ड्राई नहीं है, पार्शियली सैचुरेटेड है सॉइल, या सैचुरेटेड होगी तो भी क्या होगा, ये टोटल वेट से कम ही रहेगा, तो ये जीरो और जीरो से ज्यादा हो सकता है, लेकिन एक से हमेशा क्या रहेगा, ये कम ही रहेगा, ठीक है ना। तो ये कंडीशन बनती है, ठीक। अरे यार मच्छर परेशान कर रहे हैं, देखो तो ये हमने टोटल वेट के रिस्पेक्ट में और सॉइल सॉलिड के रिस्पेक्ट में हमने वाटर कंटेंट को देख लिया। अब देखो हमने डिग्री ऑफ सैचुरेशन निकाला था वहां पे भी, पीछे हमने वॉल्यूम वॉल्यूम रिलेशनशिप में, और हमने फिर वाटर कंटेंट को निकाला। तो हमने वाटर कंटेंट को इस वजह से निकाला क्योंकि अगर कोई सॉइल है तो उसमें वाटर का वॉल्यूम कितना है, आयतन कितना है, उसको मेजर करना थोड़ा मुश्किल होता है, ठीक है। वो भी जो डिग्री ऑफ सैचुरेशन है वो भी वाटर के मान को ही बताता है, लेकिन वो आयतन के रिस्पेक्ट में बताता है, और जो वाटर कंटेंट है ये भी वाटर की वैल्यू को बताता है लेकिन वेट के रिस्पेक्ट में बताता है। तो वाटर के वॉल्यूम को जो मेजर करना जो है थोड़ा कठिन होता है, और जो वाटर का वेट है उसको मेजर करना आसान होता है, इसको एक्यूरेसी के साथ ज्यादा जो है हम लोग अच्छे से मेजर कर सकते हैं। इस वजह से जो वाटर कंटेंट है इसका जो है इंजीनियरिंग सिग्निफिकेंट या इंजीनियरिंग में उपयोगिता जो है ज्यादा होती है, ठीक है ना। तो इस वजह से वाटर कंटेंट को जो है ज्यादा यूज किया जाता है, हालांकि वो भी यूज किया जाता है। देखो यहाँ पे वही चीज मैंने लिखा है कि डिग्री ऑफ सैचुरेशन की अपेक्षा वाटर कंटेंट सॉइल में उपस्थित वाटर की मात्रा को एक्सप्रेस करने का सही पैरामीटर है, क्योंकि वेट को अधिक एक्यूरेसी के साथ जो है मेजर किया जा सकता है। तो ये चीज आप लोग नोट में अपने लिख लेना है ना। शुरू में मैंने आपसे सवाल किया था कि अगर कोई फुल्ली सैचुरेटेड सॉइल है तो उसका वाटर कंटेंट क्या होगा, तो ज्यादातर जो है लोग यही आंसर करते हैं कि उसका वाटर कंटेंट जो है 100% होगा, यानी कि 1 होगा, है ना।
और जब बच्चा एग्जाम में जाता है पेपर देने, तो मान लो कि वहां भी यही क्वेश्चन आ गया कि कोई सॉइल फुली सैचुरेटेड है तो उसका वाटर कंटेंट क्या होगा। तो बच्चा वहां पे जो है खुशी खुशी मार के आता है कि 1 होगा, 100% होगा। एग्जाम से बाहर आता है पूरा मुस्कुराते रहता है, लेकिन जब कोई उसे बताता है, दिमाग पे जब वो जोर डालता है, तो पता चलता है कि अरे हमने तो गलती कर दिया, बच्चा वहीं पर बच्चा खा जाता है। ठीक है, तो चलो देखते हैं उसको कि क्या उसका मजा है। ठीक, इसे मैं मिटा ही देता हूँ। अब देखो, तो नेचुरल कंडीशन में स्पाइल जो है 3 कंडीशन में हो सकती है ना, एक तो ड्राई कंडीशन में हो सकती है, और एक पार्शियली सैचुरेटेड कंडीशन में हो सकती है, और एक फुली सैचुरेटेड कंडीशन में हो सकती है। ठीक है, तो जाहिर सी बात है अगर ड्राई कंडीशन में रहेगी तो आप लोग कहोगे कि 0 होगा, अगर पार्शियली सैचुरेटेड रहेगी तो कहोगे कि 0 से ज्यादा और 1 से कम होगा, है ना। अगर सैचुरेटेड रहेगी तो आप लोगों का, ज्यादातर लोगों का यही मानना होगा कि 100% होगा। ठीक, तो देखो अगर ये सॉइल जो है, ठीक है, ये कोई सॉइल है और वो फुली सैचुरेटेड है, ठीक है, तो जब फुली सैचुरेटेड रहेगी तो इसमें पूरी तरीके से वाटर भरा रहेगा कि नहीं। ये सॉइल सॉलिड है और ये वाटर है, ठीक है, लेकिन जरूरत नहीं है, लोग समझ रहे होंगे। ठीक, तो देखो नेचुरल कंडीशन में सॉइल जो है 2 अवस्था में मिल सकती है, या और भी देखो, एक तो हो सकता है कि जो नेचुरल कंडीशन में सॉइल है वो पूरी तरीके से लूज कंडीशन में है ना, और एक ये भी हो सकता है कि सॉइल जो है पूरी तरीके से डेंस कंडीशन में है। ठीक, तो अब जान रहे हो कि कोई भी चीज लूज अवस्था में रहती है तो उसके बीच में जो खाली स्थान रहेंगे, वॉइड्स रहेंगे, वो ज्यादा रहेंगे। अगर सॉइल पूरी तरीके से डेंस अवस्था में रहेगी तो सॉइल के कणों के बीच में जो वॉइड्स होंगे वो कम होंगे, डेंस अवस्था में है तो यानी कि पार्टिकल बहुत नजदीक होंगे, पास पास होंगे, और उनके बीच में जो रंध्र होंगे वो कम होंगे। ठीक है ना, यहां तक तो समझ में आ रहा होगा। तो अगर सॉइल नेचुरल कंडीशन में लूज स्टेट में है, एकदम ढीली अवस्था में है, तो उस कंडीशन में सॉइल के कणों के बीच में जो वॉइड्स होंगे वो ज्यादा होंगे, और सॉइल क्या है, फुली सैचुरेटेड है, तो जितने भी सारे रंध्र होंगे उन सारे में जो है वाटर भरा होगा। ठीक है ना, ये लूज कंडीशन है मान लो। ठीक है, तो सॉइल के रंध्रों में पूरी तरीके से वाटर भरा होगा और ये है सॉइल। तो अब आप बताओ कि ये पूरे में जो है वाटर भरा है तो वेट ऑफ वाटर जो है, वेट ऑफ सॉइल सॉलिड से ज्यादा हो सकता है कि नहीं हो सकता। ठीक है, बताओ। तो ये जो है वेट ऑफ वाटर जो है, वेट ऑफ सॉइल सॉलिड से क्या होगा, ज्यादा होगा, है ना। ठीक, अब आपको जो है नेचुरल कंडीशन में एक ऐसी सॉइल मिल गई कि जो डेंस अवस्था में है, ठीक है, सघन है, तो जब डेंस रहेगी तो उसके बीच में जो वॉइड्स है वो क्या है, कम है। ठीक, अब ये देखो सैचुरेटेड सॉइल का ये भी फेज डायग्राम है और ये डेंस सॉइल है, तो डेंस सॉइल है तो उस टाइम जो है वेट ऑफ वाटर और वेट ऑफ सॉइल, अगर इसका आप लोग देखोगे तो वेट ऑफ वाटर क्या होगा, वेट ऑफ सॉइल सॉलिड से कम होगा, है ना। ठीक, ये डेंस सॉइल है, और मान लो कि ऐसी भी सॉइल मिल गई कि वो ना तो डेंस है और ना ही लूज कंडीशन में है, तो ऐसा भी हो सकता है कि ये जो वेट ऑफ वाटर है ये वेट ऑफ सॉइल सॉलिड के बराबर हो जाए, हो सकता है कि नहीं। देखो तीनों जो है सैचुरेटेड सॉइल की ही कंडीशन है, और मैंने शुरू में सैचुरेटेड ही बोला था, तो आप लोग कैसे कह सकते हो कि सैचुरेटेड सॉइल का जो वाटर कंटेंट होगा वो 100% होगा। यहाँ पे तो कुछ भी हो जाएगा, अगर इसको लोगे तो 1 हो जाएगा, इसको लोगे आप लोग तो 1 से कम हो जाएगा, इसको लोगे तो 1 से ज्यादा हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे जो है आप लोग सैचुरेटेड सॉइल है उसको देख के नहीं बता सकते, देख के नहीं बता सकते कि जो है क्या है वो उसका वाटर कंटेंट जो है 1 होगा कि नहीं होगा। ठीक है ना, देखो
ये जो वाटर कंटेंट है ये वेट को डिनोट करता है, ठीक है, वेट को रिप्रेजेंट करता है, वाटर के वेट को, सॉइल सॉलिड के वेट के रिस्पेक्ट में। और जबकि जो वॉल्यूम था, डिग्री ऑफ सेचुरेशन था, वो वाटर के वॉल्यूम को रिप्रेजेंट करता था। तो हम लोग जो यहाँ पे लिखते हैं तो ये जो है ये ऐसे जब हम लिखते हैं जैसे इतना है तो इसके वॉल्यूम को यहाँ पे दिखाता है, ठीक है ना। मान लो कि इसका क्रॉस सेक्शन एरिया पूरा एक समान है, तो क्रॉस सेक्शन एरिया जब समान रहेगा, हम लोग वॉल्यूम लिखते हैं वी बराबर ए इंटू एच, तो जब क्रॉस सेक्शन एरिया इसका पूरा एकदम समान है तो अब हमको बस हाइट से ही ना तुलना करना है। जिसकी हाइट कम रहेगी उसका वॉल्यूम कम रहेगा, जिसकी हाइट ज्यादा रहेगी उसका वॉल्यूम ज्यादा रहेगा, समझ रहे हो। तो इसीलिए डिग्री ऑफ सेचुरेशन को जो है हम लोग फेज डायग्राम देख के बता सकते हैं, लेकिन अब वेट को तो नहीं बता सकते। वेट को देख के कैसे बताओगे, उसको तो जब वेट करोगे तभी ना पता चलेगा। और देखना वेट बराबर आप लोग लिख लेना, मैंने शुरू में बताया नहीं, आप लोग जानते होंगे डब्ल्यू बराबर एम जी होता है, ठीक है। तो कहीं पे आपको वेट ना दिया रहे, अब यहाँ पे भी डब्ल्यू बराबर एम जी लिखोगे वाटर का वेट, और यहाँ पे भी सॉइल का वेट लिखोगे तो जी से जी कट जाएगा। तो कहीं पे आपको दे सकता है कि मास ऑफ वाटर अपन में मास ऑफ सॉइल सॉलिड, ठीक है, तो भी जो है वाटर कंटेंट हम लोग निकाल लेंगे। अब जी तो कांस्टेंट है दोनों में, वो तो कट ही जाना है, ठीक है ना। तो ये जो है कंडीशन हो गई। अब पार्शियली सैचुरेटेड सॉइल भी रहेगी तो भी आप नहीं बता सकते कि जो है सॉइल जो है इसका वाटर कंटेंट क्या होगा। अब ये पार्शियली सैचुरेटेड सॉइल है, इसका अब जानते हो आप लोग पार्शियली सैचुरेटेड सॉइल रहेगी तो उसका थ्री फेज डायग्राम बनेगा, तो भी जो है आप लोग नहीं कह सकते कि जो है इसका जो है वाटर कंटेंट क्या होगा, ठीक है ना। जैसे ये तीन कंडीशन है वैसे ही इसमें तीन कंडीशन बनेगी, तो भी जो है आप लोग नहीं कह सकते। तो यही जो है वाटर कंटेंट था, एक टोटल वेट के रिस्पेक्ट में हम लोग निकालते हैं और एक जो है सॉइल सॉलिड के रिस्पेक्ट में निकालते हैं, ठीक है ना। तो हमने इस वीडियो में जो है वाटर कंटेंट को पढ़ लिया है। अगर आपको मजा आया होगा तो जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना। देखो लाइक कर, सब्सक्राइब करना या मत करना यार, लेकिन लाइक कर देना, इससे मुझे पता चलेगा कि आप लोग पसंद कर रहे हो, मुझे में और एनर्जी आ जाती है, ठीक है ना। मुझे अच्छा लगता है पढ़ाने में और मजा आता है, तो आपको जो है ऐसे ही बहुत मजा आया तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना, बताना भी लोगों को, अच्छा लगेगा, ठीक है। क्योंकि जो सॉइल मैकेनिक्स है वो मैं करा रहा हूँ, अपने एंड से पूरा कराऊंगा, ठीक है ना। अच्छे से पढ़ते जाएंगे हम लोग, और कोई अगर डाउट हो तो जो है कमेंट जरूर पूछना। अगर मैंने कुछ गलत बता दिया होगा इसमें आपको लग रहा होगा तो जो है उसे पूछ लेना, कमेंट करना, मैं बताऊंगा, ठीक है। मिलेंगे अगले वीडियो में, धन्यवाद, थैंक यू।